राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरक्ष प्रांत के पैगाम इंसानियत और मोहब्बत वतन का सम्मेलन हुआ संपन्न। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा, मुसलमान और हिंदुओं की संस्कृतियों से हमारे पूर्वजों का DNA एक था और एक रहेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण व मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रीपेड टैक्सी चलाने के दिए निर्देश। ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने किया शुभारंभ। कहा, देश की 12 जी में कर रही है प्रतिभाग, पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार है प्रतिबद्ध। लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्त साहिल अली उर्फ यासिर अली और जैनुल आब्दीन उर्फ जैप को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में हस्ताक्षर अभियान का किया गया आयोजन। रैली निकालकर लोगों को एड्स के प्रति किया गया जागरूक। ऑपरेशन सवेरा के तहत बुजुर्ग व्यक्तियों को बीट कांस्टेबल डायल 112 घर पहुंचकर करेगी पंजीकृत। किसी तरह की असुविधा होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस करेगी मदद। SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। लूट करने के आरोप में एक अभियुक्त राजू पटेल को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का दो मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। विश्व एड्स दिवस पर गुरुवार को CMO कार्यालय से निकाली गई जन जागरण जागरूकता रैली को CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, एड्स के प्रति समाज में कई तरह के मिथक और भ्रांतियों का खंडन कर जागरूकता का संदेश देना है रैली का मुख्य उद्देश्य। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, नजला, बुखार और बदन में अकड़न सहित अन्य मौसमी बीमारी से लोग हो रहे हैं बीमार। जिला अस्पताल के MD मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, ठंड से बचाव करते हुए निकले घर से बाहर, ठंडे खाने के सामान का बिल्कुल ही ना करें सेवन।